हे गाइस, क्या हाल है भाई। तो फिर से एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं थोड़े से स्पार्किंग बेबलेट्स का रिव्यू। ये हम पहले बचपन में भी खेलते थे इनके साथ, और आज भी आते हैं गाइस ये स्पार्किंग टूल्स के साथ, जो कि होता है एक टाइप से फ्लिंट होता है ये, जिससे चिंगारियाँ निकलती हैं, फ्लिंट एंड स्टील, जो माइनक्राफ्ट में भी होता है गाइस अगर देखा हो तो। ये यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फ्लिंट दिख रहा होगा, शायद फ्लिंट ही कहते हैं इसको, चारकोल कहते हैं गाइस, माफ़ी चाहेंगे। हाँ, एक जो भी है, अभी इसको निकाल के देख देते हैं भाई। मेरे को नहीं लगता ये पूरा चिंगारी वाले हैं ये, क्योंकि इनके पहले से चिंगारी निकली हुई है गाइस। रिपकॉर्ड मिलती है हमको, लॉन्चर मिलता है हमको, ग्रिप मिलती है हमको, लेकिन गाइस ये देखो यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे है दो इसमें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये मेरे को 150 रुपये का पड़ा है, ये भी मेरे को 150 रुपये का पड़ा है। और देखते हैं भाइयों इस वाले में कितने निकलते हैं फ्लिंट एंड स्टील। इस वाले में भी सिर्फ दो ही निकले हैं भाई, पता नहीं ये इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, दो नहीं है, तीन नहीं है, दो ही हैं भाई साहब, कमाल कर देते हो चचा जी। ओके गाइस, तो अभी देख लेते हैं, इनको रखते हैं साइड में। ये हैं हमारे लॉन्चर्स, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी के आ जाते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किया इनको और काफ़ी बढ़िया से चल जाते हैं भाई, ये काफ़ी बढ़िया से चल जाते हैं। क्यों, अरे भाई ऐसे लगेगा, माफ़ी चाहेंगे गाइस। ओके, ये लग गया है पहला लॉन्चर हमारा, और लॉन्च भी करके देख लेते हैं भाई। कम ऑन भाई, मेरे ख्याल से ये सस्ती क्वालिटी वाले हैं, पहले अच्छी क्वालिटी के आते थे गाइस, अभी काफ़ी सस्ती क्वालिटी के आने लग गए हैं। ये भी पहले इनका भी काफ़ी मस्त मेटल आता था, बहुत ही हैवी होते थे ये, और आजकल भाई आधा वेट कर दिया है इनका। बनाते आज भी हैं लेकिन वेट काफ़ी कम कर दिया है इसका, अभी वेट देख लेते हैं, कुछ 40 ग्राम के आसपास होगा, लेकिन इतना मेटल है ना, कम से कम होना चाहिए था इसको 80 ग्राम या फिर 50-60 ग्राम, 44 ग्राम है ये। ओके, ये वाला देखते हैं, ये शायद 50 हो सकता है, 47 ग्राम है, 50 कोई भी नहीं है गाइस। इनको तो हमारे बर्स्ट बेबलेट भी आराम से हरा सकते हैं, लेकिन जो पहले मेटल की जो लेयर आती थी ये काफ़ी मस्त आती थी भाई, शायद वो लेड की थी, लेकिन ये वाली लेड की नहीं लग रही क्योंकि काफ़ी हल्की हैं ये। चलो भाइयों अब इसको लॉन्च करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ कर पाता है। नाइस, ये ऐसे लॉन्च होता है। अभी दूसरा लॉन्च नहीं करूँगा मैं, उससे पहले चश्मा डाल लेते हैं गाइस, क्योंकि आँखों की प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इनके अंदर चिंगारियाँ लगी हुई हैं ये निकल के आँखों में लग सकती हैं, तो जब भी यूज़ करो चश्मा डाल के यूज़ करना इनको, ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट है गाइस। तो ठीक है गाइस, चश्मा पहन चुके हैं और अभी इनकी फ़ाइट करके देखते हैं। मेरे ख्याल से दो फाइट मुश्किल से करेंगे ये, और इनकी ये जो चिंगारियों वाली है ये निकल जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं चल पाती है। ओके स्टार्ट। बहुत तेज़ लॉन्च किया गाइस, बहुत ही तेज, और कैमरे का लेंस भी बचाना होगा शायद। ओ चिंगारियाँ, ओ चिंगारियाँ, ओ दो चिंगारियाँ निकली हैं गाइस। ओ भाई यहाँ पे धुआं निकल रहा है, और नहीं निकली, ओ निकली भाई, रुको रुको रुको, अभी देखो वो देखो, अब ज़्यादा नहीं आ रही लेकिन आ रही थी भाई बहुत सारी, ये देखो अभी भी आ रही है, ओ अभी भी आ रही है, ओ ये। ओके गाइस, तो ये कुछ सीन था बढ़िया वाला। हाँ गाइस, ये जो दो बेबलेट दिख रहे हैं इनका बाय लिंक जो होता है यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके इनको बाय कर सकते हो, और अगर इनका मिला तो, नहीं तो मैं कोई अच्छा बेबलेट का प्रोडक्ट यहाँ पे दे दूंगा जो कि इंडिया में अवेलेबल हो। और सब निकल चुका है गाइस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बचा है ये, लेकिन ये अब चिंगारी नहीं निकालेगा, और इसका भी लगभग सारा कुछ निकल चुका होगा। यप, मैंने बोला था ये दो फाइट भी मुश्किल से करेगा, और यही है इनकी कहानी, इनकी जुबानी, यानी कि हमने 300 रुपये लगाए सिर्फ एक बार स्पार्किंग देखने के लिए, वाह भाई वाह। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर स्पार्किंग देखने के लिए इसको बाय कर रहे हो तो मत ही करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है भाई इसको बाय करने का स्पार्किंग के लिए, इससे अच्छा तो भाई फ्लिंट ले लो उसको स्पार्किंग बना दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये था इन दो बेबलेट्स का रिव्यू, जो कि फाइट में अच्छे रहेंगे लेकिन स्पार्किंग में अच्छे नहीं है, क्योंकि इनका एक ही बैटल में ख़त्म हो गया, तड़ा हो गया इनका सब कुछ। ओके तो चलो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ मुझे पता है वीडियो काफ़ी छोटी है,
बट इनकी फाइट कैसे कराएं, चलो एक वैसे नॉर्मल फाइट करा के देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या रहेगा। भाई फुल स्पीड तेज लॉन्च, क्या इनका मेटल भी टूट जाएगा। हम इनको एनएमएस स्टेडियम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं हाँ कह सकते हो, और एनएमएस स्टेडियम काफ़ी टाइम बाद आ रहा है तो ये भी ज़्यादा मतलब लोग देखना चाहते हैं इसलिए। और हाँ, जो भी चैनल पे नया भाई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं भाई हो, 5 लाख कराने हैं। और इसी के साथ वो एक और चिंगारी निकली, कभी कभी निकल जाती है भाई। और हमारा जो पिंक वाला बेब्लेड है वो है विनर, ठीक है। ये थी भाई आज की वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो भाइयों।